हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मीडिय रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंट्स का जो टॉपिक नंबर वन है एंड दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपको पता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टॉपिक नंबर सेकेंड जो है हमारा रेशियो एनालिसिस इन दोनों में एक पॉइंट आपको बेसिक पॉइंट याद रखना है एंड दैट बेसिक पॉइंट इज फॉर्मैट अगर आपका पूरा फॉर्मेट एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप ट्रेंड एनालिसिस कॉमन साइज स्टेटमेंट वर्टिकल स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट मिसिंग फिगर्स रेशियो एनालिसिस कुछ भी सॉल्व कर पाएंगे तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका वर्टिकल बैलेंस शीट है ध्यान से समझना सब कुछ लिख के बताऊंगा प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और फिर जो आपका बड़ा फॉर्मेट है जिससे रिलेटेड स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं वो सारी चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएगी तो अभी हम आज के सेशन में वर्टिकल बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे फिर अगले लेक्चर में अगले वीडियो में आपको मैं वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस कैसे याद रखना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ध्यान से समझना बहुत ही सिंपल है कोई भी कॉम्प्लिकेशंस इससे आपको रिलेटेड अभी नहीं होगी तो देखो सबसे पहले आप हमारा वो सब फॉर्मेट में सब कुछ लिखते हो जैसे कि शेयर होल्डर फंड सोर्सेस ऑफ फंड्स ठीक है तो अगर हम सबसे पहला पॉइंट देखें तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स ठीक है काफी सिंपल है शेयर होल्डर्स फंड्स ये आपका पहला पॉइंट है शेयर होल्डर फंड्स को आप ओनर्स फंड वगैरह सारी चीजें आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम जैसा कुछ है ही नहीं तो आपका ये शेयर होल्डर फंड्स क्या है आपका पहला हेडिंग है ठीक है बहुत सिंपल है ध्यान से देखो अभी किस तरीके से इसको हमको याद रखना है शेयर होल्डर फंड्स की अगर बात करें तो उसमें आपको क्या याद रखना है इक्विटी शेयर कैपिटल ठीक है पहले आपको क्या लेना है इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है उसके बाद आपको क्या लेना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेना है ठीक है इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेना है फिर आपको क्या लेना है रिजर्व एंड सरप्लस लेना है मैं मेन मेन हेडिंग आपको बता रहा हूँ अगर वो आप परफेक्टली करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम्स आपको ये रिलेटेड चैप्टर में नहीं होगी उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको माइनस करना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो मिसलेनियस एक्सपेंसिस कह सकते हैं या फिक्टिशियस असेट्स भी आप इसको कह सकते हो तो ये आपका इक्विटी हो गया यह आपका प्रेफरेंस हो गया यह आपका रिजर्व एंड सरप्लस हो गया

तो वी विल बी गेटिंग दैट आंसर एज शेयर होल्डर फंड्स दिस इज यूर फर्स्ट पॉइंट एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद द फर्स्ट पॉइंट एंड वी कैन मूव टूवर्ड्स द सेकंड वन तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है जो हमारे सोर्सेज साइड में जो सेकेंड पॉइंट है दैट सेकेंड पॉइंट इज बोरोड फंड्स ठीक है दैट इज दकेंड पॉइंट बोरोड फंड्स मतलब कोई भी टाइप का लोन तो सेकेंड हमारा पॉइंट क्या होगा सेकेंड हमारा पॉइंट होने वाला है बोरोड फंड्स तो आपका सेकेंड पॉइंट होगा बोरोड फंड्स अब ये बोरोड फंड्स में यूजुअली क्या आता है यूजुअली इसमें लोन आता है लेकिन एग्जैक्टली exactly इसमें दो चीज़ें आती है एक होता है आपका सिक्योर्ड लोन और एक होता है आपका अनसिक्योर्ड लोन ठीक है सिक्योर्ड लोन है और क्या आएगा अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि डिबेंचर्स बैंक लोन फिर एक पब्लिक डिपॉजिट्स नाम का पॉइंट आता है वह आपका अनसिक्योर्ड लोन है तो ये दोनों पॉइंट्स जब भी आपके क्वेश्चन में आएंगे तो दोनों लिखेंगे एक आएगा तो एक लिखेंगे ये दोनों पॉइंट्स का जो टोटल होगा वो हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे अभी ध्यान से काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज इन दिस तो ये जो ऊपर हमको आंसर मिला है और ये जो हमें अभी आंसर मिला है बोरड फंड्स का इन दोनों को हम क्या करेंगे इन दोनों को हम ऐड करेंगे जैसे कि शेयर होल्डर फंड्स आपको यहाँ पे मिला शेयर होल्डर फंड्स यहाँ पे मिला है और ये बोरोड फंड्स आपको यहाँ पे मिला है इन दोनों को हम क्या करेंगे इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें एक टोटल मिल जाएगा दिस टोटल विल बी कॉल्ड एज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है दिस इज योर वर्टिकल बैलेंस शीट का पहला बेस ये टोटल जो मिलेगी ये टोटल को हम क्या कहेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट कि बैलेंस शीट को दो साइड्स होते हैं एक लाइबिलिटीज है दूसरा असेट्स है एंड जब हम दोनों साइड्स को टैली करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें जितना भी पॉइंट्स दिया था उसके बेसिस पे वी आर राइट और रॉन्ग तो वर्टिकल बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो वर्टिकल बैलेंस शीट में हम क्या करने वाले हैं हम वर्टिकल बैलेंस शीट में भी यही करने वाले हैं हमने क्या कर दिया पहले शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट किया शेयर होल्डर फंड्स के बाद हमने अभी सेकेंड जो है हमारा बोरोड फंड्स कैलकुलेट किया फिर हमको बोरोड फंड्स और शेयर होल्डर फंड्स को ऐड करने के बाद क्या मिला कैपिटल एम्प्लॉयड मिला ठीक है अभी हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के पॉइंट सीखते हैं देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब क्या है कि पहले तो हमारा ये था कि पैसे कहाँ कहाँ से आए दैट इज सोर्सेज ऑफ़ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है हमने पैसे कहाँ कहाँ पर लगाए दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ फंड ठीक है तो हमारा सेकेंड जो मेजर हेडिंग है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंडलीकेशन ऑफ फंड इज अवर हेडिंग अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये ध्यान से समझना यहाँ से मेजर कन्फ्यूजन शुरू होता है अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आपको क्या क्या याद रखना है ध्यान से समझना है इट्स वेरी सिंपल बट नॉर्मली कन्फ्यूजन यहाँ से होता है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका फिक्स असेट्स ठीक है मैं मेजर मेजर हेडिंग लिख रहा हूँ फिक्स असेट्स आप सभी को पता है फिक्स असेट्स में दो टाइप के असेट्स आते हैं वी हैव टैंजिबल एंड वी हैव इनटैंजिबल अगर हम टैंजिबल की बात करें तो टैंजिबल मतलब ऐसे असेट जिसको हम टच कर सकते हैं दैट इज टैंजिबल एंड इनटेंचिबल की अगर बात करें तो वी हैव दी असेट्स ऑफ इन टैंजिबल सच एज गुडविल पेटेंट्स कॉपी राइट्स ट्रेडमार्क्स दीज ऑल आर इन टिबल अट्स इसके बाद आपका जो सेकेंड पॉइंट इसमें आता है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ठीक है कभी कभी आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स तो दिया जाता है लेकिन वो शॉर्ट टर्म दिया जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि हमको क्या करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं तो अभी हम क्या करेंगे हम फिक्स असेट्स के अमाउंट को लिखेंगे जो भी रहेगा फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट को लिखेंगे जो भी रहेगा फिर आपका जो ये उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ध्यान से समझना अभी बिकॉज ये एक बार समझ में आ गया तो दैट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू वर्किंग कैपिटल की अगर बात करें तो ये कैसे मिलता है करंट असेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे नाव अभी दो कंसेप्ट आपके सामने आए हैं ठीक है एक है आपका करंट असेट्स और एक है आपका करंट लाइबिलिटीज ठीक है करंट असेट्स का मतलब ऐसा असेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकता है दैट इज करंट असेट्स सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज का मतलब ऐसा लाइबिलिटी जो आप एक साल के अंदर पेमेंट करोगे दैट इज द करंट असेट अभी ध्यान से ये सिंपल चीज़ है लेकिन ये याद रखना करंट असेट्स में दो टाइप के असेट्स आते हैं तो वो आपको अभी याद रखने करंट असेट्स में कौन से दो टाइप के असेट्स आते हैं एक होता है आपका क्विक राइट right? और एक होता है आपका नॉन क्विक असेट एक होता है क्विक असेट और एक होता है नॉन क्विक असेट राइट तो क्विक असेट्स बहुत सारे हैं जैसे कि डेटर्स डेटर्सिवेबल कैश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऐसा बहुत सारा है तो बहुत सारा कभी याद नहीं रखना है कम वाला याद रखना है कम वाला मतलब नॉन क्विक तो एक आपका क्लोजिंग स्टॉक याद रखना है दूसरा आपको याद रखना है एनी काइंड ऑफ प्रीपेड प्रीपेड बोल सकते हैं या एडवांस बोल सकते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड ये दो आपके नॉन क्विक असेट है इसको छोड़ के बाकी कोई भी असेट दिखे जैसे कि डेटर्स कैश बैंक फिर आपको मिल सकता है बिल्स रिसिवेबल फिर आपको मिल सकता है एनी काइंड ऑफ बैंक बैलेंस फिर आपको मिल सकता है जैसे कि डेटर्स uh, हमने कहा कैश बैलेंस कहा फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ सकता है ऐसे सारे असेट्स आएंगे तो वो बहुत सारे होते हैं इसलिए उसको याद नहीं रखना है दो असेट याद रखो दो को छोड़ के बाकी सारे हम कहाँ पर लिखेंगे क्विक में लिखेंगे ठीक है काफ़ी सिंपल है बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है इसलिए इसको आपको ध्यान देना है तो आज के इसमें हम सिर्फ बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनकम स्टेटमेंट भी बना के दिखाऊंगा तो इसमें सबसे पहले आएगा करंट ठीक है करंट में मैंने आपको बताया कैसे मिलता है करंट असेट क्विक और नॉन क्विक असेट को अगर हम प्लस करेंगे तो करंट असेट मिलेगा तो से फॉर एग्जाम्पल आपको करंट असेट यहाँ पे मिल गया हमको करना क्या है करंट असेट्स में से हमको करंट लाइबिलिटीज को माइनस करना है राइट right? तो अभी अगर हम बात करें कि करंट लाइबिलिटीज़ की तो यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ देखो करंट लाइबिलिटीज़ में भी करंट लाइबिलिटीज़ में भी दो तो पॉइंट्स आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में भी क्या होते हैं दो पॉइंट्स होते हैं ध्यान से समझते हैं ये दो पॉइंट कौन से होते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया कि करंट लाइबिलिटी में भी दो पॉइंट होते हैं एक होता है आपका क्विक लाइबिलिटी और एक होता है आपका नॉन क्विक लाइबिलिटी तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे नॉन क्विक लाइबिलिटी याद रखेंगे नॉन क्विक लाइबिलिटी में आप आपका वैल्यू आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट और एक दूसरा पॉइंट रहता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ठीक है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आया तो दैट इज ऑल्सो नॉन क्विक लाइबिलिटी एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आया तो बैंक ओवरड्राफ्ट ऑल्स इज ऑल्सो नॉन क्विक लाइबिलिटी फिर क्विक लाइबिलिटी में क्या आएगा बाकी सब बचे हुए हम क्विक क्विक लाइबिलिटी में लिखेंगे जैसे कि क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड ऑल दिस पॉइंट्स विल बी योर क्विक लाइबिलिटी राइट तो अभी हम करंट लाइबिलिटी के पॉइंट्स लिखेंगे तो करंट लाइबिलिटी में भी सिमिलर कैलकुलेशन करंट लाइबिलिटी में भी क्या होगा क्विक आएगा प्लस नॉन क्विक लाइबिलिटी आएगा उनको हम प्लस करेंगे तो ये हमको वैल्यू मिलेगी हमें करना क्या है हमें इन दोनों को माइनस करना है इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा दिस आंसर इज वॉट दिस आंसर इज नेटवर्किंग कैपिटल ठीक है ये आंसर क्या है नेटवर्किंग कैपिटल कहे ओनली वर्किंग कैपिटल कहे तो ये हमारा नेटवर्किंग कैपिटल होगा अभी ध्यान से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्लस माइनस में गलती होती है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फिक्स असेट्स ढूंढा उसके बाद हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स था उसके बाद हमको क्या करना है उसके बाद हमको वर्किंग कैपिटल ढूंढना है और हमको ये फिक्स असेट्स प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इन तीनों को मतलब फिक्स असेट्स को मैं नंबर वन दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को नंबर टू दे रहा हूँ और नेट वर्किंग कैपिटल को नंबर थ्री दे रहा हूँ इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें फिर से आंसर मिलेगा एंड दैट आंसर इज कॉल्ड एज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा और ये वही आंसर होगा जो हमें ये ऊपर मिला है यू कैन चेक दिस तो जब हम सोर्सेस साइड लिखेंगे तो सोर्सेस साइड में हमें जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मिला है कैसे मिला था शेयर होल्डर फंड्स में बोरोड फंड्स को ऐड किया तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मिला सिमिलरली एप्लीकेशन साइड में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट्स को प्लस किया वर्किंग कैपिटल को प्लस किया तब आपको मिला टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आप इस तरीके से बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़े बिकॉज ये पूरे चैप्टर में एक ही बेस है बाकी कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज बाकी सारों में हमको क्या है फॉर्मेट बनाना है कॉलम्स बनाना है कॉमन साइज है तो कॉमन साइज का फॉर्मेट बनाओ कंपेरेटिव है तो कंपेरिजन करो ट्रेंड एनालिसिस है तो ट्रेंड एनालिसिस करो लेकिन सारी चीज़ों में एक ही बेस है दैट इज़ दी फॉर्मेट तो दिस फॉर्मेट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट तो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट आई होप कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स पर शेयर करें और अगर पहली बार चैनल पर आओ तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज ये चैनल पर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के वीडियोज़ मिलते रहेंगे और इसी तरीके से आपको इस चैनल से आपके आगे के जर्नी में हेल्प होगा थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इनकम स्टेटमेंट के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर